नमस्कार दोस्तों, फैंटसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन फॉर मुंबई सिटी एफसी वर्सेस हैदराबाद एफसी। आईएसएल का ये गेम 27 नवंबर को 9:30 PM से खेला जाएगा। मुंबई सिटी एफसी डिफेंडिंग चैंपियंस है, इन्होंने करंट सीजन की स्टार्ट भी बड़ी अच्छे तरीके से की है। हैदराबाद का पिछला सीजन कुछ खास नहीं रहा था एंड इस सीजन की इनकी स्टार्ट भी डिसअपॉइंटिंग रही है। इस वीडियो में दोनों टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे, कुछ की स्टैट्स देखेंगे, दोनों टीम्स की एक्सपेक्टेड लाइनअप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, की प्लेयर्स आइडेंटिफाई करेंगे एंड आपको हमारी सजेस्टेड ड्रीम 11 टीम देंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कर दीजिए, आपका फीडबैक हमारे लिए जो भी है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए एंड हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगी, क्योंकि इस गेम की जो फाइनल टीम होगी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आएगी। फ्री चैनल है तो आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, फैंटेसी अखाड़ा ऐप के बारे में बात करेंगे। ये जो गेम हो रहा है, इस गेम के लिए इस ऐप पे 1 लाख रुपए का गारंटीड मेगा कॉन्टेस्ट चल रहा है। मतलब लोग कम भी आए तो भी ये कॉन्टेस्ट कैंसिल नहीं होगा, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। इस ऐप की खासियत यह है दोस्तों कि यहाँ पे लो कॉम्पिटिशन है तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा मिल जाता है। सिर्फ 29 रुपीज की एंट्री फी में आप 1 लाख का मेगा कॉन्टेस्ट खेल सकते हो। 5% बोनस कैश भी इसमें यूज कर सकते हैं आप। तो फटाफट फैंटेसी अखाड़ा .com से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड खेलना शुरू कीजिए। हमारा रेफरल कोड विन FSP आप यूज कर सकते हैं, आपको 500 रुपीज साइन अप बोनस मिल जाएगा एंड आप हमारे फ्यूचर फ्री गिव अवेज के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ये पिछले सीजन का ISL का टेबल है, आप देख सकते हो मुंबई सिटी ने लीग जीता था, उसके बाद प्लेऑफ्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी। 20 गेम्स में से 12 गेम्स इन्होंने जीते थे, 4 गेम्स ड्रॉ करे थे, 4 गेम्स हारे थे एंड 40 पॉइंट्स के साथ ये टेबल टॉपर्स थे। हैदराबाद ने 5th पोजीशन पे फिनिश किया था, 20 में से सिर्फ 6 गेम्स इन्होंने जीते थे, 11 गेम्स ड्रॉ हुए थे, 3 गेम्स हारे थे एंड 29 पॉइंट्स इन्होंने जोड़ पाए थे पिछले साल। करंट सीजन का स्टार्ट अगर आप देखोगे तो मुंबई ने अपना पहला गेम जीता है 3-0 के स्कोर लाइन से, तो अभी करंटली वो सेकंड पोजीशन में है। इस गेम में अगर वो जीतते हैं तो वो फर्स्ट पोजीशन में आ जाएंगे। हैदराबाद ने अपना ओपनिंग गेम 1-0 के स्कोर लाइन से हार गए थे। दोनों टीम्स का रीसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 5 गेम्स में आप देख सकते हो मुंबई अनबीटन है, 4 गेम्स इन्होंने जीते हैं, 1 गेम ड्रॉ करा है गोवा के अगेंस्ट 2-2 के स्कोर लाइन से। 9 गोल्स इन्होंने स्कोर करे हैं इन 5 गेम्स में। अगर आप हैदराबाद का रिकॉर्ड देखोगे तो पिछले 5 गेम्स में सिर्फ एक ही गेम वो जीत पाए हैं, एक डोमिनेंट विक्ट्री थी उनकी 4-0 से वो जीते थे केरला ब्लास्टर्स के अगेंस्ट, उसके अलावा 3 गेम्स इनके ड्रॉ हुए हैं एंड इस सीजन का ओपनिंग गेम चेन्नई इनके अगेंस्ट 1-0 से वो हार गए हैं। 7 गोल्स इन्होंने स्कोर करे हैं इन 5 गेम्स में। कुछ और की स्टैट्स पर नजर डालेंगे। यहाँ पे हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देख रहे हैं, इन दोनों टीम्स के बीच में 4 गेम्स हुए हैं अब तक, जिसमें हैदराबाद एक भी बार जीत नहीं पाई है, 2 गेम्स मुंबई ने जीती है एंड 2 गेम्स ड्रॉ हुई है। पिछला जो इन दोनों टीम्स के बीच का गेम हुआ था वो 0-0 के स्कोर लाइन से ड्रॉ हो गया था। मुंबई सिटी अपने पिछले 6 ISL गेम्स में अनबीटन है, 5 गेम्स इन्होंने जीते हैं उसमें से एंड 1 गेम ड्रॉ हुआ है। हैदराबाद ने अपने पिछले 15 जो गेम्स खेले हैं उसमें से सिर्फ 4 ही गेम्स में इनको जीत मिली है। हैदराबाद का टीम ऐसा है दोस्तों, ये पिछले सीजन मैक्सिमम गेम अपने ड्रॉ कर रहे थे, ये हार नहीं रहे थे लेकिन ये 3 पॉइंट्स भी नहीं ला पा रहे थे, जीत नहीं रहे थे, मोस्ट ऑफ द गेम्स इनके ड्रॉ हो रहे थे। इस गेम में भी हमारे हिसाब से मुंबई सिटी आर स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स और एनालिसिस पसंद है दोस्तों, तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिकेट और फुटबॉल की गेम्स होते हैं जो हम वीडियो प्रीव्यू के थ्रू कवर कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन उन सारे गेम्स की फाइनल टीम विद आर एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ऑन आवर चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। दोनों टीम्स के एक्सपेक्टेड लाइनअप पे नजर डालेंगे। मुंबई हमारे हिसाब से 4-2-3-1 के फॉर्मेशन में खेलेंगी विद इगोर एंगुलो लीडिंग देयर अटैक लाइन। उसके अलावा जाहूस मिडफील्ड में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं, रेनियर फर्नांडेस, कसिनियो, बिपिन सिंह, ये बाकी प्लेयर्स होंगे जो मिडफील्ड में खेलेंगे। इनके डिफेंस में फॉल करके इनके जो डिफेंडर है, ये पिछले सीजन भी काफी अच्छे अटैकिंग प्लेयर साबित हुए थे, डिफेंडर होके ये गोल स्कोर करते हैं, तो फैंटेसी गेमिंग के लिए ये बहुत ही तगड़े प्लेयर बन जाते हैं। हैदराबाद ट्रेडिशनल 4-4-2 के फॉर्मेशन में खेलती है, ओगबेची एंड एडू गार्सिया इनके अटैक लाइन को लीड करते हैं। मिडफील्ड में विक्टर, मोहम्मद यासिर, ये थोड़े ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बन जाते हैं। अभी
दोनों टीम्स के आईएसएल के स्टैट्स देखते हैं। हैदराबाद ने इस सीजन अब तक एक भी गोल स्कोर नहीं किया है, इसलिए इनके पिछले सीजन के ही स्टैट्स आपके सामने हमने रखे हैं। इसमें से मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स अभी इनके टीम में नहीं खेल रहे। जाओ विक्टर आपको देखेंगे यहाँ पे, इनके 3 गोल 2 असिस्ट आ चुके थे। ए राय जो डिफेंडर है, इनके 2 असिस्ट आ चुके थे। तो ये प्लेयर्स आपको कंसिडर करने हैदराबाद से। उसके अलावा जो इनके नए साइनिंग है ऑगबीचे, ये पिछले सीजन मुंबई के लिए खेल रहे थे। इन्होंने 23 गेम्स में 8 गोल स्कोर करे थे, 3 असिस्ट भी दिए थे, मुंबई के सेकेंड हाईएस्ट गोल स्कोरर थे। तो उनके टाइटल विनिंग सीजन में ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हुए थे। इस साल वो हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं, तो हमारे हिसाब से ये एक अच्छे पिक बन जाते हैं। अगर आप मुंबई का साइड देखोगे तो मुंबई की ये करंट सीजन के स्टार्ट से पहला गेम जो इन्होंने जीता है 2-0 के स्कोर लाइन से, उसमें 2 गोल इगोर एंगुलो ने स्कोर किए हैं। उसके अलावा कटाटू का एक गोल आया है, जहाउ एंड फर्नांडेस दोनों के एक एक असिस्ट आ चुके हैं। पिछले सीजन की अगर आप स्टार्ट देखोगे तो लफोंद्रे इनके लीडिंग स्कोरर थे, और बीची के 8 गोल आए थे, बी सिंह के 6 गोल 4 असिस्ट थे, मुर्ताडा फॉल जो डिफेंडर है इनके 4 आप देख सकते हैं गोल आए थे। तो डिफेंडर के लिए ये बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। बमस के 3 गोल और 7 असिस्ट थे। तो जहो आप देख सकते हो यहाँ पे भी वो है, 5 असिस्ट इन्होंने पिछले सीजन भी दिए हैं। तो इगोर अंगुलो, जहो एंड मुर्ताडा फॉल, ये दोनों तीनों प्लेयर्स मुंबई से काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसके अलावा सी गैब्रियल जो कसिनो के नाम से भी जाने जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है मुंबई के लिए, नए साइनिंग है। तो ये एक अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं इस गेम में। अभी इन्हीं प्लेयर्स को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी सजेशन ड्रीम 11 टीम बनाई है। फॉरवर्ड्स में हमने अगबेची एंड अंग्यूलो को सिलेक्ट किया है। ये दोनों ही प्लेयर्स आपके लिए सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं। अपने टीम्स के अटैक लाइन को ये लीड करेंगे, तो मल्टीपल टीम्स में भी आप इनको अपना कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। मिडफील्ड में जाओ जाओ विक्टर एंड कसिनो गैब्रियल, इन तीनों प्लेयर्स को हमने सिलेक्ट किया है। अगर आप मल्टीपल टीम्स खिला रहे हो और आपको स्लाइटली रिस्की कैप्टनसी ऑप्शन के साथ जाना है, तो आप सी गैब्रियल के साथ जा सकते हो। जहो अगेन एक बहुत ही सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है। वाइस कैप्टन रखना है इनको क्योंकि असिस्ट का पोटेंशियल ये प्लेयर ज्यादा रखता है। डिफेंस देखने से पहले दोस्तों, अगर अब तक का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि इसके आगे हम जो भी वीडियो डालें उसका आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाए। डिफेंस में हमने 3 डिफेंडर सिलेक्ट किए हैं मुंबई से, क्योंकि हमें लग रहा है मुंबई के क्लीन शीट के चांसेस ज्यादा है। ए राय को एंड जो कीपर है, ए राय एंड कीपर हमने 2 प्लेयर सिलेक्ट किए हैं हैदराबाद के साइड से। इसमें से अगेन फॉल एक अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं। डिफेंडर है, अगर इस गेम में अटैकिंग रिटर्न दे दिए तो आपको काफी अच्छे पॉइंट्स ये दे देंगे। करंटली हमने जो टीम बनाई है 6:4 के रेशियो में है फेवरिंग मुंबई, एंड अभी भी हमारे पास 10.5 क्रेडिट बाकी है। तो इस गेम में आपको क्रेडिट इश्यू तो नहीं आएगा। तो देखते हैं 11th प्लेयर के आपके लिए क्या क्या ऑप्शन बन जाते हैं। मुंबई से अगर आपको आपका 11th प्लेयर सिलेक्ट करना है, तो आप अपुया के लिए जा सकते हैं। ये ड्रीम 11 पे आपको लालेंग माविया के नाम से मिल जाएंगे, अच्छे मिडफील्डर है, इनको आप डेफिनेटली अपनी टीम के लिए कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है मुंबई इस गेम में 2-0 या 3-0 के डोमिनेंट स्कोर लाइन से जीतेगी, अगर आपको एक स्लाइटली बैलेंस टीम बनानी है, आपको लग रहा है हैदराबाद भी इस गेम में अच्छा परफॉर्मेंस देगी, तो इनके अटैक लाइन को जो में जो खेलते हैं एडो गार्सिया, इनको आप सिलेक्ट कर सकते हो, या इनके मिडफील्डर है मोहम्मद यासिर, इनको एक साथ आप जा सकते हो। इससे आपकी टीम में एक अच्छा बैलेंस आ जाएगा। याद रखिए दोस्तों, ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे हम दे देंगे लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद, डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले। उसके लिए आपको चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगी। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। फैंटेसी गेमिंग में फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसकी लत भी लग सकती है, तो जितनी आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उस हिसाब से ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। इस गेम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे किसी क्रिकेट या फुटबॉल की वीडियो में। धन्यवाद।